नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं वीर साधना लाया हूं और एक ऐसे वीर की साधना लाया हूं जिसकी शक्ति का कहते हैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसको हम नाहर वीर के नाम से जानते हैं। इसको जो है वैसे तो जो जिस भाव की भी साधना करता है शक्तियां वैसे ही जो है प्रभाव दिखाती हैं, और सभी जितने भी वीर हैं उनमें सभी वीरों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, और कहते हैं कि इनकी साधना भी जो है गुप्त नवरात्रि में विशेष फल देती है। हालांकि वीर साधना में जो वीरों की संख्या कुल 52 बताई गई है, और वीरों के विषय में सर्वप्रथम जो है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई जो थे इसके लेखक थे, इसमें इन्होंने बताया है और इनकी वहाँ पर संख्या 52 बताई गई है। वीरों को जो है भैरवी का अनुयायी या भैरवगण कहा जाता है। इन्हें देव और धर्मरक्षक भी कहा जाता है। हालांकि ये सभी जो हैं माता कालिका के दूत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों में कई वीरों के मंदिर हैं और ये जो है देवी देवताओं के साथ स्थापित रहते हैं। राजस्थान में जाहरवीर, नाहरवीर, वीर तेजाजी महाराज आदि के नाम से अनेक वीरों की जो है बातें बताई जाती हैं। कहते हैं कि वीर साधना एक बंद कमरे में या किसी शमशान में या किसी उजाड़ में जो रात में की करनी चाहिए, और ऐसा एकदम समय पूजा के समान आता है जब काली के इस प्रकार के दूत साधक के सामने आते हैं और जो है उसे डराते हैं। लेकिन डरना नहीं चाहिए और इस साधना को जो है निर्विघ्न होकर के हर प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी साधना विधि में बता रहा हूँ आपके लिए, और कैसा स्थान का चुनाव करना है यह आप जान लीजिए। तो सबसे पहले एक ऐसे मंदिर की खोज करें या फिर एक ऐसे उजाड़ स्थान की खोज करें जहाँ पर वर्षों से कोई मनुष्य जो है वहाँ ना आता हो ना जाता हो। एक ऐसा देवस्थल जहाँ पर कई वर्षों से कोई पूजन कार्य ना हुआ हो। ऐसा कोई निर्जन मंदिर या वन या पहाड़ या प्राचीन गुफा साधना आरंभ करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एक दिन पूर्व मंदिर में जाकर देवता को जो है दीप धूप और नैवेद्य आदि निमंत्रण देकर विनती करें कि मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए 41 दिन यहाँ आकर आपकी पूजा करूँगा, मेरी रात्रि साधना निर्विघ्नतापूर्वक संपूर्ण हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। फिर अगले दिन रात को 12 बजे वहाँ पहुँचकर देवता का उत्तम सामग्रियों से पूजन कर देवता के मूल मंत्र से यथासंभव जाप करें, और उसके बाद जो है अंत में कवच का पाठ करें और अपने घर फिर वापस आ जाएं, और अपनी सुरक्षा के हेतु नित्य गुरु, गणेश, भैरव और उक्त देवता का कवच और रक्षा मंत्र का भी जप करें। इसके पश्चात घर से मंदिर के लिए हमेशा प्रस्थान करें और वापसी आने पर भी ध्यान रखें। यह विधान कुल 41 दिन का होता है और एक ही समय जाकर पहुंचकर साधना करनी होती है। मध्यकालीन रात्रि इस साधना के लिए उपयुक्त होती है। इस 41 साल की महासाधना को संपन्न करना बहुत कठिन माना जाता है और रात्रि काल में साधक के समक्ष अनेकों विघ्न प्रकट होते हैं, जैसे साधक देवता के समीप उपस्थित ना हो सके, जैसे रास्ते में आपको जो है भयानक विषधर सर्प दिखाई पड़ेगा, कभी विकराल पक्षी कोई दिखाई पड़ जाएगा, कभी कोई भयानक चुड़ैल आपके सामने नजर आएगी, तो कभी किसी भयावक शक्ति के दृश्य आपको दिखाई देंगे या फिर आपको कभी डरावनी आवाजें भी सुनाई देंगी। इन समस्त संकट साधक के साहस और धैर्य की कठोर परीक्षा लेते हैं। इस समस्त दैवी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करके ही वीर साधना जो है संपूर्ण हो जाती है। साधक की साधना उस और योग्यता अनुसार उसे देवता से क्या प्राप्त हो यह दैवी इच्छा पर निर्भर करता है। इस अद्भुत साधना में साधक को कई दिव्य अनुभूतियां होती हैं। इस प्रकार की दुर्लभ साधनाओं को एक विशिष्ट साधक ही संपन्न कर सकता है। साधारण मनुष्य इस साधना से दूर रहना चाहिए। इस वीर साधना में सुयोग्य गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा जीवन में संकट भी आ सकता है। तो अब जो नाहर सिंह वीर साधना है, ये वीर जो है
किसी भी बड़ी से बड़ी भूत प्रेत या इस प्रकार की समस्याओं का तुरंत निपटारा कर देने में सक्षम होता है। सिद्ध होने के बाद यह वीर पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा प्रकट होकर मानेगा। ये साधना मूल रूप से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब के इलाकों में जो है अधिक प्रचलित है। यही जो है वीर सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के बाहर पहरा भी देता है और उनके भक्तों की समस्याएं दूर करता है। नाहर सिंह वीर की साधना करने के बाद व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को बड़ी आसानी से सिद्ध करने लायक हो जाता है और इस साधना से जो है वीर जो है आपके समक्ष प्रत्यक्ष ही प्रकट होता है। तो आपको रात्रि में जाना है और रात्रि में मध्यकालीन रात्रि यानी आप 11 बजे से शुरू मान सकते हैं और रात के और 3-4 बजे तक जब तक करना चाहें उसको साधना का जितने समय लगे उतने समय आपको साधना करनी चाहिए। इनका जो मंत्र है वो है वीर दा वीर बाबा बड़भाग सिंह दा वजीर हाजिर हो मेरे नाहर सिंह वीर। तो ये मंत्र है और इस मंत्र का जो है आपको जो है रोज 41 माला जाप करना है और 41 दिन तक ये साधना करनी है और 41वें दिन पूरा होते ही आपके पास ये साधक के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इतने दिनों में ये आपकी साधना को भंग करने की पूरी कोशिश करेगा, पर आप जो है डरे नहीं और किसी भी प्रकार से कुछ भी दिखे या कोई भी अनुभव हो तो ये साधना आपको नहीं छोड़नी है। इसके लिए बेसी योग्य गुरु से जो है आप साधना को ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपको साधना सफल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।